वो टारगेट के करीब पहुंच चुकी है। कोई लोकेशन ट्रेस हुआ है? एटलीस्ट एरिया? अब तक नहीं सर, लेकिन बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। गुड। जिस भरोसे के साथ मैंने धनक को ये मिशन सौंपा है, आई एम श्योर वो उस भरोसे को सही साबित करके रहेगी। ए पोरी, इतना हिलना डुलना तेरे लिए अच्छा नहीं है। पोकट में गोली बोल लग गई ना तो साला, पहली बार क्रिमिनल के हाथों पुलिस वाली का इनकाउंटर होएगा। क्राइम के हाथों कानून खल्लास। अरे इधर तेरे को बचाने के वास्ते तेरा रघु नहीं है और ना ही तेरी वो हलकट सावित्री, समझ गई? एक बात बता, क्या प्लान है तेरा, बोलना। काय को आई तू इधर, क्या प्लान है तेरा? अरे कितनी बार बोलू, कोई प्लान नहीं है मेरा, आप समझ क्यों नहीं रही? अब एक बार और बताती हूँ, कोई प्लान नहीं है मेरा, यकीन मानिए। ए फोरी, तो तेरी सास का बेस लेके ऐसे ही इधर आ गई। देख मैं इतना तो जानती है कि तेरे को हलकट सावित्री से इतना प्यार तो नहीं है कि तू ऐसे ही अपनी जान जोखिम में डालकर इधर आ। ए, साले पुलिस वुलिस का लफड़ा तो नहीं है ना? पुलिस ने तेरे को अपने नाम का सुपारी तो नहीं दिया है ना? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं तो होली खेल रही थी। और चुप कर, ए चाकू लाओ मेरा। देख ध्यान से देख इस चाकू को, बहुत कत्ल किया है मैंने इससे, आज मैं तेरे को भी इधर ही काट डालेगी। बोल तेरा प्लान क्या है? विद्या दाई प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए, आप मान ही नहीं रही है मेरा, मैंने कुछ क्या, कैसे? विद्या तलाशी ले इसकी। तलाशी? जैसे तुम टारगेट के करीब पहुंचो इस बटन को इमीडिएट दबा के इसे एक्टिवेट करना है, उसके बाद हम तुम्हारा लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे। देखिए विद्या, मैं आपको समझा रही हूँ कि कुछ नहीं है मेरे पास, कोई प्लान नहीं था। उठ। खोल। खोल। नहीं मिला। लेकिन हाँ साला कोहिनूर अपने हाथों लग गया, बहुत शौक है ना उस रघु को गन तानने का। देखिए आप रघु को एकदम शौक। अभी जो करना है ना वो मैं करेगी नहीं, वो तो तूने कर दिया। अब तेरे पीछे पीछे तेरा रघु आएगा और उसके पीछे आएगी सावित्री माई, खुद अपने पैरों से चलकर।
असलम किधर छोड़ गया? अमर की सोन पापड़ी अकेली है उधर, उसको जरूरत है अपनी, क्या करेगा अपन? आज अपन को पक्का यकीन हो गया कि तू पुलिस वाली बनने के लिए पैदा हुई है। इतनी समझदारी, इतनी बहादुरी तो सिर्फ खाकी वाली में हो सकती है। सोन पापड़ी, अपुन ने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा कि तू अपुन की लाइफ में आई और अपुन की भाई को बनी, नहीं तो अपुन साला। ये एरिया उसका है, किधर से भी आके कोई भी अपन को ठोक सकता है। तुम में से कोई भी डर रहा है ना तो अभी कल्टे हो जाओ। ओए रघु, इड़ा समझे ला क्या? अरे अपुन के खोली का सामान कोई 100 पीस नहीं समझा क्या? अरे अपुन उसको ना चलाना भी जानता है। अरे एरिया उसका है तो क्या है, अपन जिगर अपन लोगों का है कि नहीं भाई लोग? अरे अपुन उसका एक एरिया में उसके खावी को उठा के लाएगा, समझा क्या? क्या बात है माजा गबरू। अरे रघु ने लाइफ में ना पैसा कमाया ना प्रॉपर्टी, लेकिन तुम जैसा दोस्त कमाया। अब उन गारंटी के साथ बोल सकता है कि बबलू भाई की माँ का सागिना, तारा जिधर दिखा उधर ही छोकरा। माई देख ना, ये रंग मेरे चेहरे से जा ही नहीं रहा है, कुछ तो कर। चुप गा, मैं फ्यूचर देख रही है। किसका? रघु जा रहा है गाड़ी में बैठकर। गया 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 उधर अंदर, धनक को 2 फटके पड़े। रघु पहुंचा और उसने लात मार के दरवाजा खोला। ए गुजरात फटी, ए चुप, एकदम चुप। मुझे सावित्री माई से बात करनी है। अरे कितना जोर से बोलता है रे, मैं मेडिकेशन कर रही है। समझी जी, बोले तो रघु के फादर इन लॉ। अरे समधी जी पहली बार हमारे घर में आए हैं, उनकी खातिरदारी करेगी कि नहीं? जा दारू शारू लेकर आ। अरे माफ करना, ये पीता नहीं ना, भूलिज गई मैं। आरती के थाल लेकर आ। अरे यही तो वो महान इंसान है जिनकी वजह से धनक इस दुनिया में आई। इसकी वजह से धनक मेरे रघु की जिंदगी में आई और अब उसकी वजह से ये सब राड़ा हो रहा है। तो ऐसे महान इंसान की आरती उतारना तो बनता है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं आरती नहीं, वो आप लोगों में क्या बोलते हैं, वो गले में डालते हैं ऐसा मेलड, माय मेडल। हाँ मेडल देना बनता है कि नहीं? तो मुझे मेरी बेटी चाहिए, उसकी जान खतरे में है और आप बेटी नहीं है, गोली है, खाएगा। मैं एक बार फिर आपको बोल रहा हूं, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, सही सलामत। अगर आपकी वजह से उसे कुछ हो गया ना तो खत्म कर दूंगा मैं आपको, खत्म कर दूंगा मैं। एक बुड्ढे पीछे हट जा। चुप, एकदम चुप, पीछे हट, पीछे हट। धनक मेरी बेटी नहीं है, मेरी जिंदगी है वो। अगर वो नहीं रही ना तो आपकी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली है,
तो उसे बचा के लाना भी आपकी जिम्मेदारी है आपकी।